बच्चों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, टीचर्स की तरफ से उठाए जा रहे हैं, पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो मार्किंग हुई है उस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं। क्या आप पहले हमें पूरा मैटर समझा सकते हैं, क्या हुआ है, बच्चों की क्या परेशानी है इस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर? तो ये नीट की परीक्षा में पूरे इतिहास में पहली बार हुआ है कि नीट की परीक्षा में एनटीए ये बोल रहा है कि हमने बच्चों को जिन जिन सेंटर पे उनका समय का नुकसान हुआ था हमने उन्हें ग्रेस नंबर दिए हैं। तो ये समय का नुकसान तो हर वर्ष होता था, तो इसी वर्ष क्यों दिया? दूसरी बड़ी बात कि हर वर्ष नीट की परीक्षा में पूरे नंबर लाना, 720 में से 720 नंबर लाना इफ ग्रेड काम होता है, कभी एक बच्चा, कभी दो बच्चा, मुश्किल से तीन बच्चों के आगे। इस वर्ष 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। एनटीए ने कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया था, ये बात एनटीए ने अपनी तरफ से नहीं बताई थी कि हमने ग्रेस नंबर दिए हैं, उन्होंने सिर्फ रिजल्ट जारी कर दिया, वो भी अचानक से। नीट का रिजल्ट आना था 14 जून को, रिजल्ट कब आया? 4 जून को अचानक से रिजल्ट आ गया। अब इसमें चौथी बात आप ये भी जरा देखिए कि जो बच्चा पूरे अंक लेके आ रहा है 720 में से 720, वो बच्चा भी भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचेगा। अगर हम एम्स दिल्ली की बात कर लेते हैं तो वहां पर अगर हम बात करें, एक उदाहरण ले लें कि जनरल की सीटें कुछ 46 जनरल की सीटें, और कितने बच्चों के पूरे नंबर आए? 67 बच्चों के, 67। तो यानी जिन बच्चों के पूरे नंबर आए हैं उसमें से भी कुछ बच्चे एम्स दिल्ली में नहीं पहुंच पाए। अब पता नहीं उसमें से कितने बच्चों के सही 720 हैं, क्योंकि कल जब एनटीए को हम लोगों ने बहुत बार सवाल पूछा, वीडियो बनाया, ट्विटर पे ट्वीट किया, मेल किया, तब कल एनटीए ने एक नोटिस दिए है जल्दबाजी में निकाली, जिसमें उन्होंने खुद से यह कबूल किया कि इसमें से 6 बच्चों को हमने ग्रेस देके 720 नंबर दिए। हमने उनसे पूछा था कितना ग्रेस दिया, उन्होंने कहा हमने इतना ग्रेस दिया है कि वो 720 तक भी पहुंच सकते हैं, हमने उनको 0 से लेके 720 कुछ भी ग्रेस नंबर। मैं आपको आपसे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, एनटीए ने एक हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो एनटीए ने अपना पहला नोटिफिकेशन, तो ये सारी चीज पकड़ में कैसे आई, इसको देखते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रिजल्ट आया, कुछ नई चीज थी कि रिजल्ट जल्दी आ गया, 4 जून को अचानक से आ गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सबको ये समझ में आ रहा है कि इस बार कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है, पिछले 5 वर्ष में ऐसा नहीं हुआ, कट ऑफ इतना ऊपर गया, अभी किसी को और कुछ नहीं समझ में आ रहा। सडनली हमें ऐसा मिलता है कि कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर आ रहे हैं। अब ये एग्जाम है +4 और -1 का, तो अगर किसी ने सारे सवाल सही किए तो उसके 720 है, एक सवाल छोड़ दिया तो 716 आएंगे, और एक सवाल गलत कर दिया तो 4 ये और एक -1 तो 715 आएंगे, यानी 718 719 नहीं आ सकते। जब कुछ बच्चों के 718 719 आए तब लोगों को पता चला कि कुछ तो नया हुआ है, ये बात एनटीए ने कहीं नहीं बताई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर एनटीए से 2 दिन सवाल पूछा गया कि 718 नंबर कैसे आ सकते हैं, 719 कैसे आ सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि कुछ सेंटर के ऊपर बच्चों का समय का नुकसान हो गया था, पेपर देर में मिला था, 2 पेपर मिल गए थे, कंफ्यूजन हुआ था, तो हमने उनको अपनी तरफ से ग्रेस नंबर दिए हैं जो कि बेस्ड है एपेक्स कोर्ट के फैसले पे। तो उन्होंने हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट का, और कुछ बताया नहीं कि जजमेंट क्या है। फिर हम लोग लगे बूढ़ा भाई क्या जजमेंट है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट है ये एक लॉ का एग्जाम होता है क्लैट, और वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 60,000 बच्चे बैठते हैं। उस फैसले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं नहीं लिखा है कि इस फैसले को आप दूसरे एग्जाम में इस्तेमाल कर सकें। मैं आपसे 2 चीजें समझना चाहूंगी कि जिस बच्चे के 720 में से अगर 700 नंबर आते थे या फिर 640 नंबर आते थे, तो क्या पिछले बार उसके लिए एक सरकारी कॉलेज में सीट सुरक्षित कर पाना संभव था, और इस बार कितना मुश्किल है? बिल्कुल संभव था, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो पिछले वर्ष तक अगर मैं देखूं तो 640 नंबर के आसपास, 640 नंबर के आसपास एक बच्चे का जो रैंक बनता था वो करीब 10,000 रैंक बनता था। अब भारत में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सीट्स हैं वो आप मान के चलो कुछ 40,000 के आसपास सीट, तो बच्चा वहां पहुंच जाता था। इस 40,000 में जनरल की सीट थोड़ी कम। इस वर्ष 640 नंबर पे बच्चे की रैंक बन रही है 40,000, यानी 30,000 रैंक जंप कर गई है। यानी अब उस बच्चे का गवर्नमेंट मेडिकल पहुंचना, कॉलेज पहुंचना बहुत मुश्किल है, उसे प्राइवेट में जाना होगा। बच्चों का नुकसान तो इसमें हुआ ही है, बच्चों में खलबली है, परेशानी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, असमंजस की स्थिति तो है, मगर अब क्या मांग एनटीए से की जा रही है, गवर्नमेंट से क्या मांग अब बच्चे और शिक्षकों द्वारा की जा रही है? देखिए, हमारी जो पहले 2 दिन पहले से जो हम मांग कर रहे थे, हमने वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पे हमारे वीडियोस बहुत वायरल हुए, ट्विटर पे ट्वीट किया, मेल किया, तब हमारी मांग थी कि बताइए कि कैसे 6 बच्चों को एक साथ 720 एक सेंटर से मिले। एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया, एनटीए का क्लैरिफिकेशन ये आया है कि हमने कुल 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दे दिए हैं, 1563, और जब आपके पास सरकारी सीट सिर्फ 40,000 है तो 1563, और ये एनटीए।
कितने ग्रेस दिए? उन्होंने बोला आपने इतने ग्रेस दिए हैं कि उसके नंबर 720 तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा सिर्फ चार स्टेट के कुछ सेंटरों में हुआ है। स्टेट उन्होंने बताई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़। अब इसके अंदर भी सवाल है, अगर चार स्टेट के कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ है तो ये सारे 720 एक स्टेट के एक सेंटर से क्यों है? 718 भी उसी सेंटर का क्यों है? क्या बाकी स्टेट के बाकी सेंटरों पे जहां आपने ग्रेस नंबर दिए वहां कोई बच्चा 720 पे नहीं पहुंच पाया? दूसरा सवाल, आपने बोला चार स्टेट के कुछ सेंटर, मैं मान लेता हूँ हर स्टेट पे एक एक सेंटर पकड़ लेता हूँ, कहीं एक पे दो, क्योंकि आपने फ्यू सेंटर्स लिखा, पांच सेंटर पर, एक सेंटर पे मिनिमम हालत में 500 बच्चा है, पांच सेंटर 500 बच्चा 2500, तो ये 1563 का नंबर है, ये कितना सही है मुझे नहीं पता है। मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि इन 1563 बच्चों की लिस्ट, एनरोलमेंट नंबर, कितना ग्रेस नंबर इन 1563 बच्चों को आपने दिया है, ये आप मुझे पूरा प्रोवाइड करें। बाकी ऐसे हालात में मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है आप शिक्षकों की कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और बोले कि वो 2018 का फैसला यहाँ वैलिड नहीं है। और इसके ऊपर मुझे लगता है इस टाइम पे जो मुझे फील होता है कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, इस पूरे मुद्दे की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ क्लैरिटी नहीं है कि 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है, 15,000 बच्चों को ग्रेस दिया है। कोई क्या रीएग्जामिन, दोबारा परीक्षा और दोबारा काउंटिंग की भी मांग की जा रही है? देखिए ये फैसला लेने वाला मैं हूँ ही ना, इतनी बड़ी बॉडी है एनटीए, उनके पास सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेट है, यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 सारे जॉइंट सेक्रेटरीज वहां काम करते हैं, सरकार है, इतना बजट है, मैं कौन होता हूँ ये फैसला बताने का? ये चीज तो वो बहुत बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है एक रिएक्टिव अप्रोच है कि जब हम दो दिन उनपे प्रेशर डालते हैं, सवाल पूछते हैं, मेल करते हैं, तब वो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि हमने कुछ बच्चों को ग्रेस, 1563 बच्चों को ग्रेस दिया है, कितना दिया है नहीं बताएंगे, किस स्टेट से दिया है नहीं बताएंगे, किन सेंटर से दिया है। अगर चार ही स्टेट थे, 1563 ही बच्चे थे, तो आप सेंटर का नाम तो बताइए, किन सेंटर के बच्चों को आपने ग्रेस नंबर दिए। आप कह रहे हैं हमने सीसीटीवी से चेक कर लिया कि वहां पे कितना समय डिले हुआ था, तो उन सीसीटीवी रिकॉर्डिंग क्या उसको पब्लिक तो करें? देखिए मुद्दा बहुत गंभीर है, उसको इतनी आसानी से नहीं निपटा सकते। और अंत में मैं कहूंगा अगर 1563 बच्चा भी तो भी बहुत बड़ा अन्याय है, 1563 गवर्नमेंट सीट्स चली जाएंगी, यानी 1500 मेरा काबिल बच्चा घर में बैठ के रोएगा, परेशान होगा, डिप्रेशन में जाएगा, ना जाने क्या स्टेप लेगा, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तब भी नहीं पहुंचा जब उसके नंबर सही थे, और कुछ लोगों को फ्री के नंबर मिल गए। ये राइट टू इक्वालिटी का पूरा वायलेशन है इसके अंदर। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, जांच कमेटी बैठनी चाहिए और उसके बाद डिसीजन होना चाहिए। अभी के लिए काउंसलिंग को इनको होल्ड करना चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर दे दिया है कि हम काउंसलिंग नहीं होने देंगे वेस्ट बंगाल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को भी यही फैसला देना चाहिए कि अभी काउंसलिंग नहीं होनी। बिल्कुल, अध्यापकों की तरफ से, बच्चों की तरफ से अब ये मांग की जा रही है कि काउंसलिंग रोकी जाए, एक जांच कमेटी बनाई जाए कि कैसे कुछ बच्चों को ग्रेस नंबर दिए गए और इसमें आगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अनामिका गौड़, इंडिया टीवी।